गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर मंडल में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 4000। मंडल आयुक्त ने कहा संसाधनों की कोई कमी नहीं। मेडिकल कॉलेज में अगस्त महीने में ही शुरू होगा 300 बेड का L1 और L2 का अस्पताल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक। त्योहारों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ आपसी भाईचारे के साथ मनाने के दिए निर्देश। कहा मूर्ति स्थापना ताजिया जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों की बैठक। कोरोना मरीजों के इलाज में सहयोग की अपील। कहा जीवन रक्षा के लिए देश हित में करें अपनी सेवाएं प्रदान। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक। कहा अक्टूबर में प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया जाएगा योजना। ड्रोन कैमरे के द्वारा बनाया जाएगा डिजिटल खसरा खतौनी। बारिश से हुए जल जमाव से शहर को जल जमाव मुक्त करने का नगर निगम का दावा कोरा कागज हुआ साबित। जलमग्न है सैकड़ों घर, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। नगर निगम के आला अधिकारी नहीं ले रहे सुध। गोरखपुर न्यूज संवाददाता सिकंदर यादव की रिपोर्ट। गोरखपुर जिले में गुरुवार को मिले 275 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4672। 1046 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होने के बाद स्वस्थ होकर जा चुके हैं घर। कुल एक्टिव केस हुए 2131। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने जनपद वासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। कहा कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत मनाए स्वतंत्रता दिवस का उल्लास। सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद के विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक। विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी ने कहा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर 4 थाना क्षेत्रों में लगाया गया है लॉकडाउन। बेवजह सड़कों पर ना घूमे, प्रशासन का करे सहयोग। भोजपुरी साहित्यकार डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्त की दो पुस्तक नौनाथ और नाथ योगी तथा पिंजरा का हुआ लोकार्पण। पुस्तक के विषय बिंदु पर वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। और घाघरा नदी को छोड़कर सभी नदियां बह रही हैं खतरे के निशान के नीचे। घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए वहां लगाई गई पीएससी। सभी बाढ़ चौकियों को किया गया सक्रिय।